कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मध्य प्रदेश इकाई दमोह द्वारा व्यापारियों के लिए नुकसानदायक एवं व्यापार प्रभावित करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट का होली दहन कर विरोध किया गया। इस अवसर पर व्यापारी एकता दिखाते हुए विभिन्न व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों ने अपना सहयोग किया। इस अवसर पर अनेक लोगों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज। अमेजन एवं फ्लिपकार्ट जो है या कोई भी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्यापारियों के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं और इस ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध के लिए आज जो है विरोध स्वरूप उनका होली का दहन किया गया और दर्शकों से और अपने जनमानस से दमोह के नागरिकों से हमारी सबसे अपील है कि जो भी खरीदारी करें वो अपने स्थानीय दुकानदार अपने भाई बंधुओं से करें जिससे उनका व्यापार भी चलता रहे और दमोह की दौलत बढ़ी रहे और इसका आज तक उपयोग किया है सभी व्यापारियों ने साथ किया उसके लिए सभी का धन्यवाद। आज घंटाघर पर चैट के माध्यम से हम सभी व्यापारियों ने यहाँ पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का पुतला होलिका दहन किया है क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के छोटे और मंझले व्यापारियों का व्यापार मूलतः नष्ट कर दिया है। हम समस्त देशवासियों से ये अपील करेंगे कि जो भी आप खरीदारी करें वो अपने आसपास के व्यापारियों से करें क्योंकि वह व्यापारी सदैव आपके हमेशा हर सुख दुख में खड़ा है और हमेशा आपके व्यापार में हमेशा आपके लिए 24 घंटे हमेशा तत्परता से खड़ा है और हर सुख दुख में आपके लिए खड़ा है। कैट के आह्वान पर दमोह द्वारा समस्त व्यापारियों को एक बैनर के तले इकट्ठा करके आज ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट और भी अन्य शॉपिंग जो ऐप हैं उनके माध्यम से जो शॉपिंग की जा रही है उन कारणों से हमारे व्यापार में बहुत अंतर आ रहा है। हम लोग लाखों रुपए लगाने के बाद भी अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। हमारी सरकार से मांग है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो हो रही है अनावश्यक उस पर छूट दी जा रही है जिसके कारण से उपभोक्ता उस ओर की रुझान हो रहा है उपभोक्ताओं का। इस कारण से हम लोगों की दुकान काफ़ी प्रभावित है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने अमेजॉन और भी जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं उनकी हम लोगों ने होली दहन करके अपना विरोध दर्ज कराया है।